नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल AB Tech में और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों की भर्ती के बारे में। जो नए बदलाव किए गए हैं 1978 सेवा नियमावली में, जो संशोधन किए गए हैं उसके बारे में, क्या क्या महत्वपूर्ण मॉडिफिकेशंस हैं, किस तरह भर्ती होगी, आवेदन से लेकर के फाइनल नियुक्ति तक, इसमें सारे जो लीगल पहलू उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या शैक्षिक योग्यता है, आयु सीमा क्या है, और क्या आपके पास प्रशिक्षण योग्यता होनी चाहिए, कैसे चयन प्रक्रिया होगी, कैसे मेरिट बनेगी, A to Z आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती को लेकर के ये नोटिफिकेशन है, PDF है, ठीक है। TGT PGT से इसका कोई भी मतलब नहीं है। बहुत से मित्र पूछ रहे हैं कि सर TGT में भी क्या ऐसा हो जाएगा, तो दोस्तों ये सिर्फ एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती के बारे में बताया गया है। अब एडेड जूनियर हाई स्कूल क्या होते हैं, तो यहाँ पर साफ दिया गया है कि जूनियर हाई स्कूल का तात्पर्य हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज से भिन्न किसी एक ऐसी संस्था से है जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के लड़के या लड़कियों या दोनों को सम्मिलित रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका मतलब है एडेड जूनियर हाई स्कूल का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या शैक्षिक योग्यता मांगी गई है उस पर यहाँ पर हम आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि अब जो रिक्तियाँ होंगी वो एडेड हाई स्कूलों में, ठीक है, जो रिक्तियाँ होंगी वो उनकी जो सूचना है 6 महीने पहले भेजनी होगी। जितने भी जूनियर एडेड हाई स्कूल हैं उनके जो मैनेजर हैं वो नियुक्तियों की सूचना 6 महीने पहले भेजेंगे, ठीक है। अभी तक ऐसा था कि ये जो सेशन था वो जून तक चलता था, 1 जुलाई से सेशन माना जाता था नया, लेकिन अब बदलाव कर दिया गया। अब सेशन जो चलेगा 1 अप्रैल से चलेगा और 31 मार्च को सेशन ख़त्म हो जाएगा, सत्र ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 31 मार्च के 6 महीना पहले सारी सूचनाएं, यानी सारे रिक्तियों की सूचनाएं भेज दी जाएंगी कि 31 मार्च तक कितनी टीचर रिटायर हो रहे हैं, कितनी वैकेंसी खाली होने वाली है, ठीक है। और 30 अप्रैल तक यहाँ पर नियुक्ति कर दी जाएगी, ठीक है। 30 अप्रैल तक सारे पद भर दिए जाएंगे ताकि ज़्यादा नए सत्र पर प्रभाव ना पड़े, यहाँ पर साफ दिया गया है। तो दोस्तों, अब ये भर्ती इस नियमावली के अनुसार हर साल आएगी भर्ती, ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 31 मार्च तक जितने भी पद खाली हो रहे हैं उसका ब्यौरा लगभग सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर में मिल जाएगा, 6 महीने पहले, और 30 अप्रैल तक पद भरे जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं इसमें योग्यता के बारे में, क्या क्या योग्यताएँ मांगी गई हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आप लोग अच्छे से देखिएगा यहाँ पर। तो न्यूनतम अर्हता जो ये है कि मिनिमम आप स्नातक पास हों, और ये सारे कई सारे यहाँ पर टीचिंग कोर्स हैं, इनमें से कोई एक और कोर्स आपने किया हुआ है तो स्नातक आप मिनिमम पास हैं। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा में अगर 2 वर्ष का डिप्लोमा आए, उस डिप्लोमा को किसी भी नाम से पुकारा जाए उससे मतलब नहीं है, तो आप इस शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। दूसरी जो योग्यता है वो है कि कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या फिर शिक्षा स्नातक यानी BEd, मतलब अगर आपके पास BEd है तो ग्रेजुएशन में 50% नंबर होने चाहिए और BEd हो आपके पास, ठीक है। और जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है उनको 5% की जो छूट मिलती है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगी, मतलब 45% अगर आपका है और आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तब भी यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। या फिर स्नातक हो, आपके पास BTC हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय उपाधि यानी BLED अगर आपने किया हुआ है तब भी फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हैं आप। या फिर 4 वर्षीय BA BSc Ed या BAed या BSc Ed, ये कोर्स अगर आपके पास है तो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ BA BSc तथा 1 वर्षीय BEd विशेष शिक्षा यानी स्पेशल BEd आपके पास है 1 वर्षीय वाला और ग्रेजुएशन में 50% नंबर है तो फॉर्म भर सकते हैं।
यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, जो 50% की फाउंडेशन लगाई गई है ये सिर्फ बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए लगाई गई है, बीटीसी वालों के लिए ऐसी कोई भी फाउंडेशन नहीं है। साफ शब्दों में देख पा रहे होंगे बीएड के लिए है, अगर आपने बीएड किया है तो 50% नंबर होने चाहिए, ठीक है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45%। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि आपका उच्च प्राथमिक स्तर का चाहे तो यूपी टेट या फिर सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, यूपी टेट या सी टेट जूनियर लेवल का कोई एक क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास इतने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है शिक्षक बनने के लिए जूनियर एडेड हाई स्कूलों में। नीचे जो योग्यताएं दी गई हैं वो प्रधानाध्यापक के लिए दी गई हैं, सारी योग्यताएं सेम हैं, बस इसमें से जो अलग से चीज़ जोड़ी गई है वो ये है कि प्रधानाचार्य को कम से कम 5 साल का अध्यापन का अनुभव होना चाहिए, ये इनके लिए एक्स्ट्रा जोड़ा गया, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, ठीक है। अब रिक्ति का विज्ञापन कैसे आएगा, तो यहाँ पर दिया गया है कि कम से कम 6 महीने पूर्व आपको जो विज्ञापन है भेजना पड़ेगा बीएसए के माध्यम से। आप बीएसए को भेजेंगे, बीएसए जो होगा वो शिक्षा निदेशक को भेजेंगे, उसके बाद भर्ती होगी। अब भर्ती कौन बोर्ड कराएगा, तो भर्ती ये जो परीक्षा नियोग प्राधिकारी है वही करवाएगा, ठीक है। तो ये अपडेट है इसके लिए, और इसके बाद आते हैं नीचे जो महत्वपूर्ण चीज़ें और हैं कैसे इसके लिए सारी प्रोसेस होगी। जब आप पदों का विवरण भेज देंगे बीएसए के माध्यम से, तो जो भर्ती होगी वो जो संस्था करवाएगी भर्ती, वो कम से कम 2 दैनिक समाचार पत्रों में इसका नोटिफिकेशन विज्ञापन प्रकाशित करेगी। एक जो समाचार पत्र होना चाहिए वो राज्य स्तर का होना चाहिए, दूसरा जो समाचार पत्र हो वो राज्य स्तर का भी हो सकता है, या फिर जहाँ पर कॉलेज है उस क्षेत्र में जो भी समाचार पत्र जाता है उस स्तर का होना चाहिए, ठीक है। अब आयु सीमा की बात कर लेते हैं, तो आयु सीमा शिक्षकों के लिए जो आयु सीमा है वो मिनिमम 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। बाकी जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो सेम टू सेम वैसा ही मिलेगा जैसे अन्य भर्तियों में मिलता है। अपर एज रिलैक्सेशन के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, वो आपको मिलेगा, अधिकतम जो अपर एज रिलैक्सेशन है वो विकलांग अभ्यर्थियों को मिलेगा 15 वर्ष का, ठीक है। प्रधानाचार्य की बात करें तो प्रधानाचार्य की न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी, ठीक है। तो ये है, अब चयन के लिए यहाँ पर कई सारे मतलब बताया गया है चयन समिति में कौन कौन से हैं, तो प्रधानाध्यापक के लिए जो चयन समिति है प्रबंधक और प्रबंधीकरण के 2 नाम निर्देशी होना चाहिए। सहायक अध्यापक के लिए तो यहाँ पर दिया गया है सहायक अध्यापक के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं भर्ती कराने के लिए, ठीक है। अब आते हैं नीचे चयन प्रक्रिया के बारे में, तो चयन प्रक्रिया आप लोग जानते ही हैं, चयन प्रक्रिया क्या है इसमें कि जैसे फॉर्म आते हैं उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा होगी, जैसे प्राइमरी की लिखित परीक्षा होती है उसी तरह से इसमें भी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा को आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद मेरिट बनेगी, मेरिट में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तभी आप आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मेरिट बनेगी वो एकेडमिक प्लस लिखित परीक्षा के हिसाब से मेरिट बनेगी, ठीक है। आप जानते होंगे, आपको दिखा देते हैं कैसे मेरिट बनेगी। तो आपके जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मतलब उसको आप फॉलो करेंगे, उसके बाद जो आपके एकेडमिक मेरिट है उसमें से हाई स्कूल का 10%, इंटर का 10%, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दिया गया है कि हाई स्कूल का जितना भी प्रतिशत आप लाएंगे उसका 10% लिया जाएगा, इंटर में आपने जितने परसेंट अंक प्राप्त किए हैं उसका 10% लिया जाएगा, स्नातक में जितने परसेंट नंबर हैं उसका 10% लिया जाएगा, और प्रशिक्षण योग्यता यानी बीएड बीटीसी या कोई दूसरी आपके पास डिग्री है उसका भी 10% लिया जाएगा। जो भर्ती परीक्षा होगी यानी लिखित परीक्षा होगी उसका 60% लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 100% बन जाएगा, जोड़ सकते हैं यहाँ पर आप, इस हिसाब से आपकी गुणवत्ता अंक बनेंगे, मेरिट बनेगी, और इसमें से जो अभ्यर्थी टॉप पर होंगे उनका चयन होगा, ठीक है। जो अभ्यर्थी लो मेरिट पर होंगे वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये साफ दिया गया है दोस्तों कि ये जो भर्ती होगी इसमें किसी भी प्रकार का भविष्य निधि यानी पेंशन वगैरह नहीं दी जाएगी रिटायरमेंट के बाद, तो ये तो सभी भर्तियों में लागू है, कोई इसमें ही लागू नहीं है। नीचे जो आपका सारा नोटिफिकेशन वो इंग्लिश में दिया गया है, ऊपर हिंदी में दिया गया है। तो अब ये अगर नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट दी गई है, इस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं,
या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट अपडेट था। अगर कोई चीज़ रह गई हो, आपको चीज़ ना समझ में आई हो, तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।